शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कादर खान को एक्टिंग करते न देखा हो। कादर खान बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर रहे हैं जो जब भी पर्दे पर आए दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आपको बता दें कि कादर खान बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध और सम्मानित हास्य अभिनेता और संवाद लेखन के साथ साथ एक मशहूर निर्देशक भी हैं। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1935 को अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था और उनके माता पिता का नाम अब्दुल रहमान और इकबाल बेगम था। कादर खान वर्तमान में मुंबई में रहते हैं और कनाडा की भी नागरिकता उन्हें मिली हुई है। लेकिन कभी बॉलीवुड के कॉमेडी किंग कहे जाने वाले मशहूर एक्टर कादर खान की हालत आज ऐसी हो गई है कि आप उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। कुछ महीनों पहले ऐसी खबरें सामने आई थी कि मशहूर एक्टर कादर खान की हालत काफी खराब हो गई है और अब वो चलने फिरने में भी समर्थ नहीं है। इसी वजह से उन्हें इलाज के लिए कनाडा ले जाया गया है। मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां पर कादर खान के घुटने का ऑपरेशन किया गया, लेकिन ऑपरेशन गलत हो गया जिसके कारण उनके घुटनों की तकलीफ और बढ़ गई है। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए बाबा रामदेव के पतंजलि आश्रम भी ले जाया गया था। बताया जा रहा है कि वो वहाँ काफी हद तक ठीक भी हो गए थे, लेकिन इससे पहले कि वो पूरा ठीक हो पाते उनके बेटे ने उन्हें वापस घर बुला लिया। अब उनकी जिंदगी व्हीलचेयर पर बीत रही है। हालत ये है कि वो चलने फिरने में भी बिल्कुल असमर्थ हैं। बता दें कि कादर खान बॉलीवुड के उन एक्टर में से हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इसके बावजूद आज ये एक्टर गुमनाम की जिंदगी जीने को मजबूर है। मशहूर एक्टर कादर खान की हालत एक बार इतनी खराब हो चुकी थी कि कुछ लोगों ने तो उनकी तस्वीरें वायरल कर उनकी मौत की खबर उड़ा दी थी। आपको बता दें कि आखिरी बार कादर खान को साल 2015 में हो गया दिमाग का दही के ट्रेलर लॉन्च के दौरान देखा गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का भी खुलासा हुआ कि उनका परिवार उनका ख्याल नहीं रख रहा है। बता दें कि 81 साल के कादर खान ने अपने कैरियर में 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। लेकिन अब कादर खान के बेटे सरफराज खान इन दिनों बॉलीवुड में अपनी जगह बना चुके हैं। सरफराज खान को आपने बॉलीवुड के स्टार एक्टर सलमान खान की सुपरहिट फिल्म तेरे नाम और वांटेड में देखा होगा। सरफराज ने फिल्म तेरे नाम में सलमान खान के दोस्त की भूमिका निभाई थी। इन दो फिल्मों से सरफराज ने साबित कर दिया है कि वो भी अपने पिता कादर खान के जैसे ही टैलेंटेड हैं। बहुत पहले कादर खान ने कॉलेज में एक प्ले किया था जिससे दिलीप कुमार इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने कादर खान को अपनी दो फिल्मों संगीना और वैराग के लिए साइन कर लिया था। यह बात बहुत कम लोगों को पता है कि कादर खान ने 250 से ज्यादा फिल्मों के संवाद लिखे हैं। कादर खान ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1974 में रिलीज हुई फिल्म संगीना से की थी। आपको बता दें कि फिल्म रोटी के लिए मनमोहन देसाई ने कादर खान को संवाद लिखने के लिए 1,20,000 रुपए जैसे बड़ी रकम अदा की थी। कादर खान 1982 और 1993 में बेस्ट डायलॉग के लिए फिल्म फेयर जीत चुके हैं। 2013 में कादर खान को उनके फिल्मों में योगदान के लिए साहित्य शिरोमणि अवार्ड से नवाजा गया है।